किन क्षेत्रों में और कैसी तैयारी है? देखिए, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो हमारा पर्व है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी थाना के माध्यम से फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। जो हमारा दंगा फोर्स है, CIT फोर्स है, उसके माध्यम से निकाली जा रही है। सभी थाना में हम लोग डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी सभी थाना में, चाहे वो शहरी थाना हो या आसपास के थाना है, उन सभी थानों में हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं। साथ में डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध स्थल है, चाहे संवेदनशील स्थान हो, सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, सभी स्थानों पर हम लोग डॉग स्क्वाड के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं। और सभी थाना में बारी बारी से करके अभी फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। और साथ ही साथ हम लोग जिला स्तर पे भी और शहरी क्षेत्र में भी मेरे नेतृत्व में 1 से 2 दिन के अंदर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगे और जो मुख्यालय से हमें फोर्स दिया गया है उसके साथ, और जो जिला का जो फोर्स है उसके साथ पूरा फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। लोगों से सर क्या अपील रहेगी? लोगों से अपील ये है कि जो भी शांति समिति के सदस्यों को, मेयर पति को और जो हमारे यहाँ के जिलावासी हैं, उनसे अनुरोध यही है कि जो भी प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसका सहयोग करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, भीड़ के नियंत्रण हो, लोगों की सुरक्षा हो, विधि व्यवस्था का निर्धारण हो, सभी में हम लोग का सहयोग करेंगे और अच्छे से मनाया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। चल रही है।